जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक शानदार वीडियो में मेरे चैनल पर। हज, इस्लाम में मुसलमानों से कहा गया है कि अगर आपके पास इतना धन है, इतनी दौलत है कि आप आराम से हज करने के लिए जा सकते हो और आपकी लाइफ में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर आप हज करने के लिए चले गए, तो ज़िंदगी में पूरी लाइफ में एक बार हज ज़रूर करें, ये इस्लाम में मुसलमानों से कहा गया है। दोस्तों, सऊदी अरब में जाकर हज होता है। सऊदी अरब में किबला है यानी काबा, जहाँ पर दुनिया भर के मुसलमान किबले की तरफ यानी काबे की तरफ मुंह करकर फेस करकर जो नमाज़ पढ़ते हैं, वो सेंटर बताया जाता है, दुनिया का सेंटर पर है किबला। दोस्तों, उसी किबले की तरफ दुनिया भर के मुसलमान फेस करकर मुंह करकर नमाज़ पढ़ते हैं। और हज जब करने के लिए मुसलमान दुनिया भर से जाते हैं तो उसी काबे के साथ चक्कर लगाते हैं और भी चीज़ें करते हैं जो हज में की जाती हैं। दोस्तों, साल में एक बार हज होता है और हज जो है वो बकराईद का जो फेस्टिवल होता है उस फेस्टिवल पर होता है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस साल दुनिया भर में कितने मुसलमान हज करने के लिए जा रहे हैं, हज करेंगे इस बार 2023 में, वहीं हमारे देश भारत से कितने मुसलमान इस बार हज करने के लिए जाएंगे और चले गए हैं 2023 में, यानी इस बार भारत से कितने हज करने के लिए लोग जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम दुनिया भर के मुसलमानों की बात करें तो सऊदी अरब के अधिकारियों की तरफ से पता चला है कि इस बार 20 लाख से ज़्यादा मुसलमान दुनिया भर के सऊदी अरब आएंगे और हज करेंगे। 20 लाख मुसलमान एक साथ सऊदी अरब में जाकर हज करेंगे दोस्तों 2023 में, ये सऊदी अरब के अधिकारियों की तरफ से पता चला है। वहीं दोस्तों, अगर हम अपने भारत की तरफ से बात करें कि भारत के अंदर इस बार कितने मुसलमान हज करने के लिए गए हुए हैं, तो दोस्तों इस बार हमारे देश से 1,75,025 लोग हज करेंगे 2023 में। ये काफ़ी बड़ा नंबर है दोस्तों, 1,75,025 लोग इस बार सऊदी अरब में जाकर हज करेंगे। और दोस्तों, 25,000 लोग उत्तर प्रदेश से गए हुए हैं, 13,000 दिल्ली से गए हैं, जो 1,75,025 लोग का जो मैंने आंकड़ा आपको बताया है। दोस्तों, कोरोना जो कोविड-19 जो बीमारी आई थी, जब सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने बिल्कुल पूरी दुनिया भर से रोक लगा दी थी, कोई भी सऊदी अरब हज करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि सभी बच रहे थे, सभी सरकारें अपने देश को बचा रही थी कि कोई कोरोना लेकर ना आ जाए, क्योंकि एक दूसरे से ये बीमारी लग रही थी। अब सारी सुविधाएं खोल दी गई हैं, सभी को आने की अब इजाज़त है, सिर्फ टेस्ट कराकर, टेस्ट का जो सर्टिफिकेट है कोरोना का, वो दिखाकर आप जा सकते हैं हज करने के लिए। दोस्तों, पूरी दुनिया से 20 लाख से ज़्यादा लोग हज करेंगे इस बार, वहीं इंडिया से 1,75,025 लोग हज करेंगे। चलिए दोस्तों, आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों आपको पता चल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।